आज बात करते हैं राहुल गांधी की जो स्कीम थी 72,000 पर एनएम और 25 करोड़ के आसपास लोगों को बेनिफिट करने वाली। नीति आयोग के राजीव कुमार हैं, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी, उनके ये शब्द हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करती रहती है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे कि ये इंडियन इकोनॉमी को क्या इम्पैक्ट करेगा, ये मूव न्याय, जो सो कॉल्ड न्याय, ये मूव इंडियन इकोनॉमी को क्या इम्पैक्ट करेगा, कैसे असर डालेगा, बिना सोचे समझे इन्होंने ये स्कीम ले आई। और ये भी कहा है, स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, कि ये इंडिया को 4 स्टेप पीछे ले जाएगा। अगर कोई स्कीम इंडियन इकोनॉमी को डैमेज कर रही है, कोई भी स्कीम इंडियन इकोनॉमी को 4 कदम पीछे ले जा रही है, तो जाहिर सी बात है, और कोई ऑफिसर ऐसा कह रहा है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने नीति आयोग का, तो कुछ सोच समझ के कह रहा होगा, किसी मेजर्स में सबको समझने के बाद कह रहा होगा कि ये कितना बुरा इम्पैक्ट डालेगी हमारी इकोनॉमी को। तो ये सब राहुल गांधी का मेंटल लेवल दिखाता है कि ऐसा, हम, मुझे तो ये लग रहा है कि ये खाली समय में बैठे थे तो सोचे कि जैसे मोदी जी ने 15 लाख की बात कही थी और नहीं किया तो हम भी ऐसा कर लेते हैं। लेकिन ये मैंने अपनी 2 वीडियो में प्रूफ किया हुआ है कि मोदी जी ने 15 लाख देने की बात कहीं नहीं कही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जितना पैसा कांग्रेस पार्टी का या करप्शन का या करप्ट लोगों का विदेश में है, स्विस बैंक में है, अगर वो हम ले आएँ तो हर व्यक्ति के पास 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। इसको मैनिपुलेट करके तोड़ मरोड़ के जितना भी दिखाया गया वो बात अलग है, ये स्पीच नेट पे कोई भी देख सकता है। तो राहुल गांधी ने खाली समय में ये बना दिया, मुंह फाड़ दिया, मैनिफेस्टो में रख दिया और सोचा कि जनता तो बेवकूफ़ है ही, 0.00001% अगर चांस है भी उनके आने का तो वो इम्प्लीमेंट अगर करते भी हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी की इमेज रही है कि कह दे करे ना, क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जो सरकार है, उन्होंने जो कर्ज माफ़ी की बात कही और लोगों को 10-10 रुपये मिलने माफ़ी के नाम पे, तो अगर ऐसा कुछ करती भी है तो एक तो इकोनॉमी डैमेज करेगी, दूसरी ये लोगों को कहेगी कि भैया घर बैठो ना, 12-12 हज़ार मिल रहा है, बैठो। तो भैया ऐसे वायरस की चपेट में आने से बचें, किसी को भी वोट दें, आपकी मर्ज़ी है, वोट ज़रूर दें और एक कैपेबल लीडर उस सीट पे बिठाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।